हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे। तो हम भी अच्छे से हैं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो आज का जो है मौसम कुछ इस तरीके का है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से। तो जो है ना, घर के सारे काम हो चुके हैं और आज ना सफाई करनी है, सफाई अभियान चलेगा आज। तो आज के ब्लॉग में सफाई अभियान देखने को आपको मिलेगा। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, अक्कू से मिला देती हूँ आपको। अक्कू, हेलो अक्कू, अक्कू आपको ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। और नीचे अक्कू की फ्रेंड भी बैठी है, और अक्कू का ये भी अक्कू का दोस्त है ना। अक्कू आदि आपका दोस्त है, ठीक है। और आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, ये आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल सामने पे तो ऐसा लग रहा है बारिश वाला मौसम हो रहा है, और धुंध हो रही है, और मौसम भी जो है ना बदला हुआ है। धूप बिल्कुल भी नहीं है आज, सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो और इन दिनों ना मौसम ऐसे ही रहेगा जब तक नवरात्रे रहते हैं, तो लगभग तो हमेशा ऐसे ही रहता है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि ऐसा ही रहता है, मौसम चेंज होता है, बारिश भी हो जाती है बीच बीच में। और ये लोग अभी यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। ये देखो इनको, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो आज चलेगा सफाई अभियान, तो आपको मेरे साथ ना हेल्प करवानी पड़ेगी। तो चले पे रस्ते में झील झाप से हो रहे ना, वो थोड़ा साफ करेंगे। और 11 तारीख को ना हमारे घर में कोई फंक्शन है, तो क्या फंक्शन है वो आपको इनके व्लॉग में देखने को धीरे धीरे मिल जाएगा, पता चलता रहेगा आपको। तो उसी की थोड़ी बहुत ना तैयारियां चल रही हैं, घर की साफ सफाई हो गई है, तो थोड़ा सा रास्ते में भी कर रहे हैं, थोड़ी घास वास हो रही है तो इसलिए भी। और ये आ गई है रिद्धि यहाँ पे। हेलो रिद्धि, हाय करो रिद्धि, हाय। अच्छा यार, रिद्धि ने कुछ बता रही थी अपने मम्मी पापा के बारे में। पापा क्या काम नहीं करते हैं? पापा झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। रिद्धि के पापा ना झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, और अक्कू के पापा लगाते हैं झाड़ू पोछा। देखो अक्कू के पापा कितने गुड 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 पापा हैं अक्कू के, और रिद्धि के पापा बैड पापा हैं, गंदे पापा हैं रिद्धि के, है ना। हाँ, अच्छे आपके पापा। पापा मुझे फोन भी देते हैं, तो आपके पापा झाड़ू पोछा नहीं लगाते? आपके पापा झाड़ू पोछा लगाते हैं? मुझे फोन नहीं देते, फोन भी देते हैं। बेटी ने खोले पापा के सारे राज ऑन कैमरा। ये देखो आप, वो तो लगाते हैं मैं, उसमें क्या है। बेटी ने आपके राज खोल दिए सारे, तो क्या दिक्कत। तो चलो आओ फिर, जल्दी आओ। तो रिद्धि अक्कू के साथ खेलने आ गई है, और अक्कू बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कपड़े चेंज कराए हैं, नहलाया नहीं है क्योंकि आप मौसम देख सकते हैं, तो इसलिए। और अक्कू को खांसी भी हो रही है। तो अभी जो है ना, मैं आपको बता दी कि आज सफाई अभियान चलेगा, तो सबसे पहले जो है ना अपने जो है हम चौक से सफाई कर रहे हैं, और ये हल्की हल्की फुल्की यहाँ पे घास हो रही है, तो स्क्रीन कर रहे हैं। आपको को तो बिना मतलब के धक्के लग रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। दूध नहीं पिया आज? दूध अभी पी के आई है। आपको वहाँ कीड़ा है, दो मुंह वाला, कपड़े गंदे हो रहे हैं, दो मुंह वाला कीड़ा है वहाँ पे, दो मुंह वाला कीड़ा। ये देखो इसको हाथ में रखना, हाथ में रखना इसका, आपको के हाथ में रखना, आपको हाथ में पकड़ना। तो बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, तो अभी थोड़ा बारिश का कुछ पता नहीं है, बारिश भी हो सकती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ना हमें ये काम निपटाना है। तो अभी जो है ना इधर अंदर जो चौक में हल्की फुल्की जो घास जम रही थी वो तो हमने निकाल दी है। तो उसके बाद जो नंबर आता है यहाँ रास्ते का आता है, और यहाँ से ना हमारे चौक से जो है ना सीधा रास्ता ऊपर तक ना बहुत ज़्यादा जो है ना घास हो रही है साइड साइड में, तो बीच में चलने के लिए रास्ता है, और अगल बगल में जो घास हो रही है, तो उस घास को मेन निकालने का मकसद जो है ना अभी देख रहे हैं। इस तरीके की घास हो रही है, और इधर भी यहाँ तो थोड़ी बहुत काम हो रही है, क्योंकि हमने अभी बीच में भी हमने निकाल ली थी, तो हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन आप आगे को मैं आपको दिखाऊंगी जब हम निकालेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और उस घास को खाने का मेन मकसद यही है कि हमारे साथ अक्कू भी होती है, अभी यहाँ पे रिद्धि भी है, ऐसे जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं सबके लिए डर होता है, क्योंकि उस घास के बीच में अगर सांप होगा ना तो पता नहीं चलता। और एक जैसे घास का कलर है हरा, तो इसी कलर का ना घास होता है, तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। तो ये भी मकसद है, सफाई करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो है ना यहाँ अंदर हमारे चाची जी का घर है ये, जो कि इसे 2 साल होने वाला है फिलहाल में, और अभी तक ना ये रेडी नहीं हुआ है। तो यहाँ अंदर चौक में भी ना काफ़ी सारी घास हो रही है, तो इसको भी निकालते हैं पहले। जल्दी
देते हो ना बच्चों ने बहुत आता मुझे। तो अभी यहाँ उधर तक का रास्ता पूरा साफ हो चुका है। अब यहाँ से जो है ना काफी ज्यादा घास है और मिट्टी भी है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये लेके आए हैं, इसे बोलते हैं बिलचा। और मेरे पास झाड़ू है तो मैं झाड़ू से पहले इधर को सफाई करूंगी। और आगे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कूड़ा कबाड़ा है, घास भी बहुत ज्यादा है। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। तो वो अभी आप देख सकते हैं इधर नीचे हमने पूरी सफाई कर दी है और यहाँ पे हमने जो पूरा कूड़ा है ये वाला जो इकट्ठा किया है। और आप रह गया इधर को, तो मेरे हस्बैंड जो बड़ी बड़ी झील वो हो रही है, घास हो रही है, तो उसको डंडे से थोड़ा थोड़ा ऐसे ही काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और अब जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा उसको हाथ से निकालती हूँ, तो ये ऊपर का रह गया अभी इधर बस। तो हम यहाँ ऊपर तक करेंगे, आगे तक जहाँ पे आपको लाइट का खंभा दिख रहा है वहाँ तक हम करेंगे, और उसके बाद जाएंगे घर। फिर मुझे नहाना है और लंच भी बनाना है, क्योंकि लंच का भी ना जो टाइम हो गया है, तो लंच भी बनाना है उसके बाद। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक जो है ना हमने साफ़ कर दिया है यहाँ से और यहाँ नीचे तक। वहाँ पे आपको मेरे हस्बैंड दिख भी रहे होंगे, झाड़ू मार रहे हैं। और नीचे का जो है ना मैंने घास निकाल दिया, सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही है और बारिश की जो है ना बूंदें भी पड़ रही है, तो बूंदाबांदी होने लग गई है। और यहाँ पर ना मधुमक्खी थी तो इनके ना हाथ पे भी काट दिया, हाथ पे काट दिया। अब यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, तो बिल्कुल रास्ता साफ़ हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो ये देखिए रास्ता बिल्कुल हमने ऐसे चमका दिया है ना, ये देखो। और यहाँ से पूरी आगे तक मैंने पूरी सफाई की है ये वाली, और इधर से मेरे हस्बैंड ने किया ऊपर। मैं प्रसाद खाने आ रखा था यहाँ। क्या कह रहे? मैं प्रसाद खाने आ रखा था यहाँ। आपने भी किया है ना, तो आप तो पहले झील। मैं वैसे कह रही हूँ जो ये झाड़ू से तो मैंने किया है, यहाँ से पूरा साफ। हालत खराब हो गई है यार, अब नहाना है और लंच बनाना है। 12 बजे बारिश स्टार्ट हो गई। चले तो चले घर चलते हैं। हाँ बहुत है इतना, क्योंकि अभी ना सांप सुन का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो अब आप देखिए पहले यहाँ पे कैसा था ये देखिए, और अब कैसा हो गया। अब तो बिल्कुल अच्छा हो गया। अब तो अक्कू अकेली भी आएगी जाएगी ना, तो इतना डर नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि अगर साफ रहेगा रास्ता तो भाई कोई भी आएगा जाएगा, अक्कू हो या कोई और भी हो, हमारे घर जो भी आएगा खुश रहेगा यार, कितना साफ सुथरा है इनका रास्ता, वरना बहुत ज़्यादा झिझा पूरी थी। और ये वाला जो है ना इसको हम जलाएंगे, थोड़ा सूख जाए, इसमें थोड़ा सूखे पत्ते थोड़े हरे पत्ते हैं तो सूख जाएगा। एक यहाँ पे और एक वहाँ ऊपर किया हमने, तो फिर हम ना इसको जो है ना जला देंगे। और अभी चलते हैं हम, ये देखो इनको। चलो फिर घर चलते टप। चल हाथ काट दे यार उसने। मधुमक्खी ने इनका हाथ भी काट दिया। और अभी आप देख रहे होंगे पीछे आपको कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में, देखिए बहुत अच्छे से साफ सफाई हो गई है। सफाई के बाद वैसे भी अच्छे लगता है। उसने पता क्या मतलब, ये जो ये है ना बाजू, बाहर से ही डंक मारा उसने, फिर भी इतना दर्द हो रहा, तो अंदर से यहाँ वहाँ कहीं मार देता तो सूज जाता पूरा मुंह। फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, मैंने कहा कोई नहीं, वहाँ से थोड़ा सा रह गया ऊपर। अब जो ऊपर वाले हैं वो भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी हम बोलेंगे भाई कि आप भी सफाई करो थोड़ा ऊपर से, अपने घर के सामने। लोग तो गंदगी करते हैं, अपने घर के सामने सफाई करो। और हमने अपने घर से तो हमने बहुत ज्यादा ही कर दी है, तो चलिए बहुत ज्यादा क्या, हमारे तो रास्ते है। ये ऊपर कर दी, ये किसने फेंका? फेंका नहीं है, गिर गया। तो चलिए बस अब इसके बाद जो है ना मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैं और ये भी नहाए नहीं थे, क्योंकि हमें पता था हमने सफाई करनी है तो गंदगी हो जाएगी, तो इसलिए हमने कहा बाद में नहाएंगे। तो अब हम लोग नहाते हैं, फिर मैं बनाऊंगी लंच और मिलती हूँ जब हमारा लंच बन जाएगा, मैं नहा लूँगी उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी ये नेक्स्ट डे है जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपना, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में अपना जो है ना ब्लॉग एंड नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी जब हमने रास्ते की सफाई करी, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी और मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी।
तो आज ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और आज के ब्लॉग में ना मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि सॉरी बोल रही हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं, देवप्रयाग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उनके ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो है ना, जो भी मुझसे कनेक्ट हैं, जिनको काफ़ी सारे लोगों को पता है कि आज 6 अक्टूबर है और आज मेरा बर्थडे है, तो आप लोग मुझे विश कर सकते हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। मैं अपने आप को बर्थडे विश करती हूँ। और जो बर्थडे व्लॉग है ना वो आएगा कल, क्योंकि अभी तो आज बर्थडे की जो भी तैयारी होगी, देखते हैं क्या करते हैं हम शाम को, तो कल आएगा जो बर्थडे व्लॉग होगा। और आज आप सब लोग मुझे जो है ना विश कर सकते हैं। तो और अगर आप में से भी किसी का बर्थडे है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कल के व्लॉग में जो है आपका नाम ले लूँगी। और जिनका भी आज 6 अक्टूबर को बर्थडे आता है तो ज़रूर बताना, और अपना नाम ज़रूर लिखना, अपना नाम जरूर मेंशन करना। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना, क्योंकि बर्थडे व्लॉग है, जैसे भी हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ गाँव में पहाड़ों में हैं, तो यहाँ पर जैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरा लुक कैसा लगा? तो हस्बैंड यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो ये जा रहे हैं मार्केट, इसलिए मैं अभी ज्यादा व्लॉग को लंबा नहीं लूंगी, बस इसको एंड कर रहे हैं। और आज मैंने ना पहली बार जीन्स पहने हैं, मेरे लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं मार्केट, है? गिफ्ट लेने जा रहे हैं। हाँ, इसके लिए 4 समोसे, 1 टॉफी का पैकेट, 1 बिस्किट का पैकेट, और 2 सुतलेवा। और यहाँ पे आदि है, आदि भी जा रहा है मार्केट। हेलो कर दे भाई आदि। हेलो। और ये ना मेरे नाती है, यानी मैं इनकी दादी हूँ, इसकी भी मैं दादी हूँ, और अविरल की भी दादी है। हेलो, ये है अविरल, और जो आपने व्लॉग में रिद्धि देखी, रिद्धि का भाई है अविरल। तो शाम को सबसे मिलाएंगे आपको, क्योंकि शाम को मेरे बर्थडे पार्टी में सब इनवाइट है, तो बच्चा पार्टी इनवाइट किया, मैंने बड़ों को इनवाइट नहीं किया। तो बाय बाय, आपको ये नहीं, आपको बाय करो, जूस पी रही आपको, जूस बाय करो, बाय करो, नहीं कर रही, चलो।